सफ़र कितना खूबसूरत हो जाएगा सुबह की शुरुआत हो कुछ ब्लेस्ड प्लेसेस सच एस जहाँ पर मैं अभी हूँ, जिस जगह की बात करना चाह रही हूँ। मैं हूँ जहाँ पे पार्वती माता जी का कान गिरा था, आपने राइट सुना। वो जगह जो है वो कहाँ पड़ती है आपको ब्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहो इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ और इस ब्लॉग में मेरे साथ, क्योंकि आज का सफ़र और आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, ट्रस्ट मी। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी धंजल। और हम लोग आज जा रहे हैं, हम कहाँ हैं चलो बताओ। आई गिव यू 500 बक्स अगर तुमने देगा ना हम फ्लाइट लिया तो। हम कहाँ रात तक से आता पूरी गाइस, हम लोग सहारन में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो अभी तो हम मंदिर जा रहे हैं ना, तुम पहले ही सारे सरप्राइज स्पॉइल कर दो तो रमन ढिंगरा। तो हम अभी मंदिर जा रहे हैं जो कि सहारन का बहुत जाना माना मंदिर है। ऑब्वियसली अगर आपको हिमाचल का कल्चर पता हो तो यहाँ पे मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ पे देवता को बहुत पूजा जाता है। सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा श्रृंगा ऋषि के बारे में सुना जो कलयुग के इनके देवता हैं। बाकी तो चलते हैं और देखते हैं किन का मंदिर है। कहानियाँ तो बहुत हैं इस जगह की, मगर सबसे मेस्मराइजिंग कहानी जो मैंने सुनी कि पार्वती माता का जब एक्चुअली सती थी, जब माता जब सती के वियोग में शिव उनको लेके घूम रहे थे इधर से उधर, तो उनका एक पार्ट गिर गया था इस जगह पर भी 180 किलोमीटर दूर शिमला से, और काउंटेड होती है 51 शक्ति पेंट प्लेसेस में से एक। मैं हूँ सहारन हिमाचल प्रदेश में, मंदिर है भीमा काली माँ का। दिस इज़ द टाइम जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे और एक दूसरे के साथ गेम प्ले कर रहे थे। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सफ़र का मजा ना लोगों के साथ आता है, मुझे अब फील हुआ। और सफ़र का मजा ना नज़ारों के अलावा लोगों के साथ भी आता है, मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगी। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पर चितकुल। कहाँ से आप लोगों को बताइए, कमेंट करके बताओ आपको। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कहाँ थी। ये हमारे ड्राइवर भैया और हम एंटर करते हुए कन्नौर की गलियों में, और हम खेल रहे हैं बहुत सारी गेम्स। तो हम जो गेम्स खेल रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ बस में। चलो करो यार, कोशिश करो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सो गाइस, बेसिकली हम अपने पहले पॉइंट पर रुके हैं आज दिन के। एक तरह से दूसरा पॉइंट है जहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट है, सारे के सारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स के लिए रुकते हैं। हमारे यहाँ साथ रुके हैं, एक्चुअली मैं तीन ग्रुप मैंने ड्रोन ले रखा है हाथ में उड़ाने के लिए, टू टेक दिस ब्रेथलेस व्यू। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द ड्रोन शॉट राइट नाउ। फर्स्ट टाइम ड्रोन इन द माउंटेन्स, इतना डर लग रहा था ना, और GPS एक्टिव नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट ट्रस्ट मी, आगे मिरेकल क्रिएट कर रहे हैं मैंने। 2-1 हमें यू नो गाइड कर रहे थे, जैसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया कैम में। तो शेफ बेसिकली हम है कहाँ पे? बेसिकली हम लोग है त्रांडा धाम पे। त्रांडा धाम, ये फेमस क्यों है त्रांडा धाम? यहाँ पे एक मंदिर है त्रांडा माता का। अच्छा, इट टुक लाइक ऑलमोस्ट 100 इयर्स टू बिल्ड दिस, एंड दिस इज अ हैंडमेड स्ट्रक्चर। सो बेसिकली दिस इज द गेटवे ऑफ किन्नौर। गेटवे ऑफ किन्नौर, और ये नीचे सतलुज है ना, राइट? तो सतलुज का आपने कहा 90% पार्ट, मतलब मोस्टली पार्ट। अच्छा, तो वो परसेंटेज नहीं है हमारे पास, इट्स इन चाइना। अरे नाइस, हाँ बैठ जा, यही बैठ जा, ज्यादा ऊपर मत जा। मैं कभी बोलती नहीं बट मुझे बैठ जा आराम से। जब मैं छत पे खड़ी होती हूँ बहुत लंबी बिल्डिंग वाली छत पे, या बालकनी में खड़ी होती हूँ बहुत लंबी बिल्डिंग वाली बालकनी में, तो मुझे नीचे देखते हुए भी डर लगता है। मैं तो तेरे को बोल रहा हूँ मत चढ़। So you people all are from VIT Bangalore. Bangalore. You mean Bangalore? Gujarat. Bangalore. So basically, you know how you feel about the trip? It's going good right now. Because Vicky is completely traveling with मतलब तुम पांचों को छोड़ के बाकी तो तुम्हारे strangers ही है ना? Yeah. That so how you plan. Feel? Like we wanted to travel with a group of other people who will be, you know, enthusiastic about the same things that we are. The traveling? Yeah. Everybody is feeling cold together, nobody is feeling that cold. Arre arre. So how is like Safarnama to you? Till now I think it's been good. It's been good? Yeah.
सो गाइस बेसिकली हम लोग रुके हैं कोई छोटा सा ढाबा एंड इट इज़ गुड, लाइक पूरा घर टाइप्स यहाँ पे खाना है। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको थोड़ा जो टेस्ट मिलेगा वो घर टाइप्स मिलेगा। नहीं अच्छा ओके, नहीं तुम क्यूट लग रहे हो, तुम ऐसे भी बहुत क्यूट लग रहे हो, सच में बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? सफरनामा मैंने खाना खाते रोक लिया, कम्फर्टेबल जर्नी। अच्छा एक भी बार पूरे ट्रैवल में, दो दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड एक भी बार कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं आई। ऐसा पता ही नहीं चला कि हम लोग इतनी लंबी जर्नी करके दिल्ली से निकले हैं। रियली सो रियली कम्फर्टेबल, रियली ऑसम। सो हम अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बस अड्डा है जहाँ से शिमला से बसेज आ रही हैं, मतलब यहाँ की लोकल बस, क्या कहते हैं उसे, हिमाचल एचटी ट्रैवल, नहीं हिमाचल ट्रैवल कहते हैं, एचटीआरसी कहते हैं कुछ, मुझे कमेंट करके बताओ गाइस क्या कहते हैं। सो यहाँ पे ना वो रहा सामने बस अड्डा जहाँ से आपकी शिमला काजा के लिए बसेस चलती है, ओवरनाइट बसेस चलती हैं, रात के 2 बजे भी बसेस लिखी हुई थी। अब ये लोकल टूरिज्म की बसेस हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे खाना खाने रुके थे। सो वी आर एट द कंचन, इट्स करचम धाम। बेसिकली हम यहाँ इसलिए रुके ताकि हम यहाँ का व्यू इंजॉय कर सकें और थोड़ी सी मस्ती कर सकें। कुछ लोगों ने तो इवन गाड़ियों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई और मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई, और मुझे वीडियोस का बहुत 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 शौक है और मैंने सबको ग्रुप में बोला कि चलो लेट्स मेक अ मोमेंट टुगेदर। सो गाइस हम हैं इस वक्त सांगला मार्केट में। सांगला मार्केट लास्ट मार्केट मानी जाती है जो कि चितकुल से पहले आती है। अभी हम बेसिकली स्पीति नहीं है, स्पीति हमें पहुंचने में टाइम है। अभी हम यहां से चितकुल जाएंगे। चितकुल की आपको पता होगी स्टोरी, वो लास्ट विलेज काउंट किया जाता है इंडिया का जो कि टच होता है चाइना बॉर्डर से या फिर कहें तिब्बत, आपको पता होगा तिब्बत धीरे धीरे कैप्चर ही हो रहा है। टेम्परेचर इन माय लोकेशन आए, सो पहुंचे हुए चितकुल एंड दिस इज -4 राइट नाउ। ये चितकुल जो है यहाँ का लास्ट विलेज में से काउंट होता है एंड यहाँ का लास्ट ढाबा बहुत फेमस है जो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे सामने हॉस्टल की प्रॉपर्टी है बट हम रुकने वाले हैं इस होम स्टे के साथ क्योंकि हमारे जो ट्रैवलर्स हैं वो हमें होम स्टे में लाए हैं एंड दिस होम स्टे इज़ एक्चुअली लुक्स गुड एंड कोजी ऑल्सो। अंदर चल के मैं आपको रूम के बारे में ज़रूर बताती हूँ कि हम सफरनामा के साथ जहाँ आए हैं इनका रूम कैसा है। ये है शाहिनशाह गीतांजलि चितकुल किन्नौर, लुक्स गुड, लेट्स गो। हे हाउ इज़ इट? हाँ गुड, सांस नहीं आ रही। सेम है यार, सेम यार, इवन आई कैन ब्रीथ। हाँ यार दिस नॉट शिव, सो दिस इज माय रूम एंड इट इज लिटिल कोजी, थैंक गॉड। हाँ जी क्या कह रहे हो? अच्छा ये वो है, हीटर है, हाँ आई नो दिस इज हीटर, मतलब पानी में डालोगे नहीं? हाँ हाँ आई नो दिस, हाँ हाँ आई नो, मतलब वो ही रॉड, मैं हीटर बोल रही हूँ, दिस इज रॉड एक्चुअली। सो एक्चुअली आई लाइक द रूम, इट इज़ नाइस, इट इज़ सिंपल, इट इज़ लाइक अ होम स्टे एंड यहाँ पे पानी जो है पूरा फ्रीज हो चुका है जैसे कि बर्फ़ हो रही है। सो चितकुल में अभी बर्फ़ है, सो इसकी वजह से जो है हम लोगों को पानी की फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह से दे रखी है कि हमारे बाल्टी रखी हुई हैं पानी की। और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी बिकॉज आई एम फ्रीकिंग फ्रीजिंग, आई नीड टू से लिटिल वार्म और मैं सामान निकाल के चेंज करूँ एंड आई ईट समथिंग, आई गो फॉर अ वॉक एंड टेक सम वार्म, मतलब वो। और आज मैंने पहली बार ड्रोन उड़ाया पहाड़ों में, इट वॉज सो एक्साइटिंग। सो सी यू टमोरो विद द नेक्स्ट व्लॉग एंड होप यू लाइक द व्लॉग। और अगर कुछ चेंज करना है, आई मीन कुछ रिकमेंडेशन है, सो आई एम ओपन फॉर इट, सो डू कमेंट मी। सी हाँ, बाय।